जाट का भाट का की कहानी। एक जाट को थो एक भाट को थो। जाट को चाल्यो सासरा, भाट को चाल्यो भैण का। रास्ता में कुआं की पार पर दोनों जना बैठ गया। जाट को बोल्यो कि आ भायला, आपा नगर बसेरो करा। भाट को बोल्यो कि मैं तो मेरी भैण न लेकर आऊँ जाऊँ हूँ। जी को लेकर आ जाऊँगा तो तू तेरा सासरा जावे है। लाड़ चाव करा न मैं देरी हो जासी, सो तू ही कर। जाट को कुआं की पाल बैठ कर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लाग्यो और बोल्यो कि नगर बसेरो से कर न से नर धो व पाँव ताता मांडा लपसी मांडा तापसी देसी मारी। माय माय न देसी मावसी देसी द्वारका का नाथ। भाट को तो आपको पहन कर चल गयो और जाट को अपना सासरा चलोगे। जाट का को सासरा में सब कोई खूब लाड़ चाव किया। भाट को आपके बहन का गया तो जाता ही उका मकान में आग लागी। आग बुझाता बुझाता राख उठाता उठाता उकी टाट गंजी होगी। संजा न दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिलया। जाट को पूछो कि भायला की के खबर है। भाट को बोलो कि मेरा तो बैठा जाता ही भैंड का मकान में आग लागी। टाट भी गंजी होगी, वो कुछ खायो भी कोनी मिलो। जाट को बोलो कि मैं तो पहले ही बोला था कि नगर बसेरो कर लेवा। भाट को बोलो कि भाई तेरा नगर बसेरा में इतनो गुण है तो अब कर लेवांगा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजू भैंड का गयो तो भैंड के पड़ोसन बोली कि तेरो भाई न आया, 2 दिन हो गया, रोटी पानी कोनी खायो। अगर तेरा कहना कोनी तो मेरा पास है से ले जा। बहन पड़ोसन का न गई लाकर भाई न जिमायो। अठी न भाट को आपको बहन न लेकर चालियो। वठी न जाट को आपकी लुगाई न लेकर चालो। दोनों जना ओजू कुआ की पाल पर मिलिया। जाट को ओजू बोलो कि आ भायरा नगर बसेरो करा। भाट को बोलो कि मेरा तो माँ है जी को मने दिखती होसी। जाता ही दही चूरमो खाना मिल जासी। तू ही नगर बसेरो कर, तेरा तो मावसी है तने रोटी घालेगी कि नहीं। जाट को नगर बसेरो करके घरा गयो। जाते ही मावसी बहुत लाड़ चाव किया। अठी न भाट को घरा गयो तो उकी भैंस खोगी। बाप उन्हें खूब मारने लाग्यो। बोलो कि भैंस का गयो तो आग लगाती, उरा आयो तो भैंस खोदी। पहले भैंस खोज कर लिया, जट रोटी पानी खाना मिलसी। सारो दिन हो गयो ढूंढता पर भैंस कोनी मिली। बाजार में ओजू दोनों भायला मिल गया। जाट को बोलो कि भायला के खबर है। भाट को बोलो कि आता ही मेरा बाप की भैंस खोगी। दिन गड़े ढूंढ रहे हैं, रोटियों कोई ठिकानों कोनी। जाट को बोलो कि मैं तना पहले ही बोला था कि नगर बसेरो कर लेवा। भाट को बोलो कि नगर बसेरा में इतनो गुणों तो अब कर लेवांगा। दोनों जना नगर बसेरो कर लिया। आने लगे तो रास्ता में भैंस मिल गई। लेकर घर आ गए तो माँ बोली छोरा न आता ही काट दियो। सारो दिन हो गए भूखा मरता, पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई कार्तिक में और पीर सासरे में आता जाता नगर बसेरो करियो। बिंदायक जी की कहानी। एक मिंट को एक मिंडकी था। मिंडकी रोजिना बिंदायक जी की कहानी कहती। एक दिन मिंट को बोलो कि तू रोज पराए पुरुष को नाम लेवा, अगर तू लेवागी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। बिंदायक जी गुस्सा हो गया। राजा की बांदी आई, दोनों आना पात में घाल के लेगी, चूल्हा पर चढ़ा दिया। दोनों जना सिजना ला गया। मिंट को बोलो कि मिंट की बहुत कष्ट हो रही हो तो बिंदायक जी ने सुमा, नहीं तो आपा दोनों मर जाऊंगा। मिंट को 7 दफा संकट बिंदायक कहो। 2 साल लड़ता आया, पात ने सींग मारी, पात फूट गयो। मिंटका मिंटकी सरोवर की पाल में चल गया। हे बिंदायक जी महाराज, यहाँ मिंटका मिंटकी को कष्ट काट्यो, भैया ही सबको काट्यो। कहता सुनता न होकर भरता न अपना सारा परिवार को काटियो।